में राजनीति में कुर्सी व सत्ता के लालच में आकर अपनी पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से कभी भी अलग नहीं होना है, बल्कि इनको प्राथमिकता देते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ना ही कभी निराश होकर इधर उधर भटकना है, बल्कि पूर्ण रूप से आशावादी बनकर सन 2007 की तरह ही फिर से यहाँ सत्ता को प्राप्त करना है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि बीएसपी के लोग मेरी इन सभी बातों पर अमल करते हुए अपनी पार्टी को सन 2007 की तरह पुनः यहाँ सत्ता में लाते हैं, इसके साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी को यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये ही इनका मेरे जन्मदिन के लिए खास तोहफा भी होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर केंद्र सरकार से कुछ आग्रह भी करना चाहूँगी, जो ये है कि दिल्ली में किसान काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलित है और उनकी मांगों को लेकर किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है, जो अभी तक नाकाम रही है और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि किसान अपने हित व अहित को अच्छी प्रकार से समझते हैं। इसके साथ ही यह हमारी पार्टी का केंद्र सरकार से ये भी कहना है कि देश में कल से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है, जिसका बीएसपी स्वागत भी करती है, लेकिन इसके साथ ही यह हमारी पार्टी का ये भी विशेष अनुरोध है कि केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे तो ये उचित होगा। और यदि केंद्र की सरकार हमारे इस विशेष अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में देश की सभी राज्य सरकारों को इन्हें ये सुविधा फ्री में ही देनी चाहिए। ये भी हमारी पार्टी का सभी राज्य सरकारों से विशेष अनुरोध भी है। और इस मामले में मैं खासकर यूपी के लोगों को एडवांस में ही आज ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। किंतु फिर भी हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार इन दोनों मामलों में, अर्थात किसानों व वैक्सीन के मामले में, अपना जरूर सकारात्मक रवैया अपनाए, जिसका सभी को इंतजार भी है। इसके अलावा आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा आम चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार भी बनाएगी।